तीखा चटपटा मज़ेदार मुंबई वाला तवा पुलाव, जिसे देखते ही सबकी आंखों में आ जाती है शाइन, क्योंकि इसे खाने के लिए लगती है लंबी लंबी लाइन। तो नमस्कार, मेरा नाम है अलीशा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी तड़का विद अलीशा में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई का बहुत ही फेमस तीखा चटपटा मज़ेदार तवा पुलाव। वही वाली सभी सीक्रेट एंड टिप्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में, जो मुंबई में ठेले वाले इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है करीब 2 से 3 कप बासमती राइस, क्योंकि जो पुलाव वगैरह बनते हैं ना वो बासमती राइस के ही बनते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल राइस के भी बना सकते हैं, लेकिन इससे लुकिंग काफ़ी अच्छी आती है। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको बढ़िया से वॉश कर लेंगे। चावलों को बढ़िया से धुलने के बाद में ये देखिए इस तरीके से हमें रखना है, और इसको करीब आधे घंटे के लिए हमें भिगा के रखना है। इसके लिए मैं यहाँ पे साफ़ पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आपके पास में आधे घंटे का समय नहीं है तो आप इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ज़रूर भिगा के रखें। तो जब तक हमारे चावल भीग रहे हैं तब तक हम यहाँ पे दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में गर्म किया है पानी और इसमें डाला है थोड़ा सा नमक। जब हमारा पानी बढ़िया से बॉयल होने लगे इसी स्टेज पर डाल देंगे हम थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल हम यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं कि चावल हमारे आपस में चिपके नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि चावल हम चढ़ा देते हैं और फिर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से चावल ओवर कुक हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे अगर मान लीजिए आपके चावल ओवर कुक हो भी गए हैं तभी भी वो आपस में नहीं चिपकेंगे, इसलिए तेल डालना बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारा पानी बढ़िया से गर्म हो जाए इसके बाद में जो भीगे हुए चावल थे ना उन चावलों को हम इसमें डाल देंगे और एक स्पून की हेल्प से इस तरीके से चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएं। तो जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे कुछ वेजिटेबल देख लेते हैं जो कि हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ली हुई है गाजर। एक गाजर को मैंने इस तरीके से पतला पतला सा चॉप कर लिया है। आप चाहें तो हैंड क्रशर से भी इसको क्रश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ली हुए हैं टमाटर, जो कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। ये बिल्कुल भी खट्टे नहीं हैं, आप ध्यान रखें खट्टे टमाटर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है फ्रोज़न मटर, क्योंकि इस टाइम पर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो फ्रेश मटर तो है नहीं, तो इस वजह से आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे एक ली हुई है येलो शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बढ़िया बढ़िया अच्छे से पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। और साथ ही मैंने ली हुई है यहाँ पे ग्रीन वाली शिमला मिर्च, इसको भी सेम मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये देखिए दूसरी साइड में जो हमने चावल बॉईल करने रखे थे ना वो अच्छे से उबलने लगे हैं, और इनको पकने में करीब 8 से 10 मिनट का समय लग जाएगा और इसे हमें खुला ही पकाना है। तो जब तक हमारे चावल बढ़िया से बॉईल हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे गरम कर लेते हैं एक तवा, क्योंकि तवा पुलाव बना रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे तवा ले रही हूँ। ये लोहे का तवा है और यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 1 स्पून बढ़िया से सरसों का तेल, और इसी के साथ में थोड़ा सा मैंने डाला हुआ है यहाँ पर बटर, क्योंकि स्ट्रीट वाले जो होते हैं ना वो बटर का भी इस्तेमाल करते हैं और ऑयल का भी। दोनों चीज़ें बढ़िया से जब हमारी गर्म हो जाएँ तो इसी के साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अपने बारीक बारीक कटे हुए प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको बढ़िया से बारीक बारीक काट लिया था। और इसी के साथ में जो हमने सब्जियाँ ली हुई थी ना एक एक करके उन सारी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक ख़ास चीज़ कि आपको सब्जियाँ बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी है, बस इतना ही इनको पकाना है कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जो तवा पुलाव स्ट्रीट साइड आपको मिलता है ना उसमें जो सब्जियां रहती हैं ना वो सब्जियां हल्की सी कच्ची रहती हैं, मतलब थोड़ी सी जब बाइट हम लेते हैं तो थोड़ी सी क्रंची क्रंची सी लगती हैं, इसलिए हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं पकाना है और इनको हम मीडियम आंच पर इसी तरीके से सौते करेंगे। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक यहाँ पे मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे सब्जियाँ भी हमारी थोड़ी सी जल्दी पक जाएंगी, टाइम भी कम लगेगा और थोड़ा सा टेस्ट भी इन्हेंस होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे नमक भी ऐड कर रही हूँ। और नमक ऐड करने से क्या होता है ना, जो सब्ज़ियाँ होती हैं हमारी बहुत ही जल्दी पक जाती हैं, उनका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो इसलिए नमक डालने के बाद में आप फटाफट से इस चीज़ों को चलाते जाइए। तो चलिए जब तक हमारी सब्ज़ियाँ बढ़िया से सॉफ्ट हो रही हैं पक रही हैं तब तक हम चावल देख लेते हैं। और ये देखिए हमारे चावल भी लगभग पक चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। और ये देखिए
आपको इतना ही चावल पकाना है कि आप इसको इस तरीके से जब दबाएं तो ये बीच से टूट जाए, मतलब पूरी तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, इनको 70% तक ही कुक करना है, तभी तो चावल हमारे बिल्कुल बाहर जैसे खिले खिले बनेंगे। और इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और जो चावल में एक्स्ट्रा पानी है ना उसको बढ़िया से छान लेंगे। और ये देखिए ऑयल डालने की वजह से हमारे चावल का एक एक दाना खिला हुआ है, और दूसरी साइड में ये देखिए हमारी सब्जियां भी बढ़िया से अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं जितना कि हमें चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको बिल्कुल भी और नहीं पकाएंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे अभी टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, तो इस स्टेज पे जब हमारी सब्जियां हल्की से सॉफ्ट हो जाएं तो इस स्टेज पे हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टमाटर का ये होता है ना कि टमाटर बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं और जो बाकी सब्जियां होती हैं ना जैसे कि शिमला मिर्च, मटर, गाजर, इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। टमाटर को ऐड करने के बाद में हमें 4 से 5 मिनट और इंतज़ार करना होगा ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए 4 से 5 मिनट लगभग हो चुके हैं इनको पकते हुए, और हमारी सारी सब्जियां जो हैं ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ आपको कितनी ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा हम इसको बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, मतलब जिस स्टेज तक की हमें पकाना था उस स्टेज तक की हम इसको पका चुके हैं। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच सेज़वान वाली चटनी, और इसी के साथ में वो सीक्रेट मसाला जो इन तवा पुलाव को बनाएगा बेहद ख़ास, जो कि है पाव भाजी मसाला। यहाँ पे मैं 2 चम्मच पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसी के साथ में सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे आपको फटाफट इनको मिक्स करना रहता है क्योंकि सब्जियाँ हमारी पक चुकी हैं, और इससे ज़्यादा अगर हम टाइम लेंगे तो हमारी सब्जियाँ जलने लगेंगी। और ये देखिए सारी चीज़ों को हमने इसमें बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अच्छा, हम यहाँ पे अब और नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जितना भी यह नमक हमें चाहिए था वो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। और इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे इसमें अपने तैयार किए हुए चावल। अच्छा, यहाँ पे आप चावल थोड़े से कम ही डालिएगा क्योंकि होता ये है ना कि तवा छोटा रहता है तो इसको मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मतलब जितना कि आपका बर्तन बड़ा है उस हिसाब से आप इसको बनाइए, मतलब इतना ही आपको इसमें ऐड करना है कि आप इसको आराम से मिक्स कर पाएँ, क्योंकि जो स्ट्रीट वाले होते हैं ना उनके पास में तो बड़ा बर्तन होता है, बड़ा तवा होता है, तो बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है, लेकिन घर पर ना छोटे तवे पर इसको मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और हमारा तवा पुलाव भी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। दिख रहा है ना कितना चटपटा और इसी के साथ में कलरफुल भी दिख रहा है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा बटर। बटर हमको इस सबसे लास्ट में ऐड करना है, इससे होता क्या है टेस्ट भी बढ़िया आता है और इसी के साथ में चावलों में एक बहुत ही बढ़िया शाइन आ जाती है, इसीलिए ठेले वाले ज़रूर ऐड करते हैं इसको सबसे लास्ट में जब वो सर्व करने वाले होते हैं। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरी धनिया। तो लीजिए, तैयार है बेहद टेस्टी, बेहद चटपटा मुंबई वाला तवा पुलाव। तो चलिए फटाफट करते हैं हम इसको सर्व। और यहाँ पे मैंने तवा पुलाव को सर्व किया है प्याज और हरी मिर्च के साथ में। मैं सच बता रही हूँ, इस तरीके से आप तवा पुलाव को अगर रेडी करेंगे ना तो रिज़ल्ट आपको बहुत ही अमेजिंग मिलेंगी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वही वाला टेस्ट एंड फ्लेवर आएगा जो स्ट्रीट साइड में हमें मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।